हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर. नाउ आई विल टीच यू मैथ्स. लेसन नंबर 7 शेप्स वाला पढ़ाया ना अभी लास्ट वीडियो में. मैंने आपको ये 6 शेप्स कराए हैं. अब ये सॉलिड शेप्स. कौन से शेप्स हैं ये? सॉलिड शेप्स. ये प्लेन शेप थे और ये हैं सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स की आइडेंटिफाई करेंगे हम. पहले इन्हें रीड करेंगे. तो C U B E cube, C U B E cube, C U B E cube, C U B O I D cuboid, C U B O I D cuboid, C O N E cone, C O N E cone. तो ये है सिलेंडर. C Y L I N D E R, सिलेंडर. ये स्फेयर. S P H E R E, स्फेयर. तो बताइए शेप इज दिस क्यूब. Which shape is this? Is cuboid. Which shape is this? Cone. Which shape is this? Cylinder. And which shape is this? Sphere. अब है match the figure with its shapes. तो बताइए which shape is this? बिल्कुल अच्छे से पहचान लीजिए. Cube, cuboid, cone, cylinder, sphere. ओके, तो सबसे पहले है ये. तो विच शेप इज दिस? क्यूबॉइड. एंड विच शेप इज दिस? सिलेंडर. विच शेप इज दिस? कॉन. एंड विच शेप इज दिस? स्फेयर. विच शेप इज दिस? क्यूब. अब ये है बच्चों, इट्स ईच सेट क्रॉस आउट फिगर That has been odd shapes. तो यहाँ पे shapes पे cross करना है जो odd है. तो ये odd है. देखिए कौन ये है. अब ये वाली shape जो है ये अलग है और यहाँ जो है ये shape अलग है. ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? अभी आपको मैं मैथ्स में नोटबुक में कराऊँगी. shapes name. ओके, तो आप अपनी नोटबुक निकालिए. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल. क्या बनाएंगे बच्चों हम? सर्कल. विच शेप इज दिस? सर्कल. एंड विच शेप इज दिस? स्क्वायर. विच शेप इज दिस? ट्राइंगल. विच शेप इज दिस? रेक्टेंगल. विच शेप इज दिस? स्टार. एंड विच शेप इज दिस? ओवल. तो बताइए व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्क्वायर? सर्कल. तो यह सी आई आर सी एल ई सर्कल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्क्वायर? एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर. विच शेप इज दिस? टी आर आई ए एन जी एल ई ट्राई एंगल. विच शेप इज दिस? रेक्टेंगल. एंड विच शेप इज दिस? बताइए स्टार. And which shape is this? Oval. O V A L.
हो गया बच्चों, इसके आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है। ज़्यादातर यही शेप्स आती हैं जो आपके सामने आती हैं। तो बच्चों जो सर्कल, जो सिक्का देखा ना आपने, रुपीज़ जो होता है 1 रुपीज़ का शेप जो होता है वो सर्कल होता है। स्क्वायर, कोई भी चकोर चीज़ जिसकी तीनों भुजा चारों भुजाएं समान होती हैं वो स्क्वायर होता है। ट्राइंगल, समोसे तो खाती होंगी, समोसे का आकार देखा ना वो कौन सा होता है, ट्राइंगल। और नॉट तो आपने देखे ही होंगे, सबके पास पैसे रहते हैं, उसका शेप्स क्या होता है, रेक्टेंगल। और स्टार तो आसमान में दिखाई देते हैं, उसका शेप्स क्या होता है, स्टार्स का, स्टार्स। ओवल, एग जो होता है ना उसका शेप जो होता है वो होता ओवल। अब यहाँ पे मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी, सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों ये सब्ट्रैक्शन में मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे 9, 8, 3, 4 ये हो गया, 10 ये हो गया, 1s 10 1s यहाँ पे, 10 1s, 7 6 अब ये देखिए, 10 1s 6 5 4 3 10 1s 4 3 3 4 ये 10 1s 6 7 8 2 5 10 1s 9 7 3 2 अब ये देखिए मैं आपको शेप्स सिखाऊंगी, ये सिखाऊंगी मैं आपको माइनस करना, मेरे को सिंपल ट्रिक से। देखो बच्चे 6 1 2 3 4 5 6 सिक्स में से हमने कितना माइनस करना है, 3, तो 1 2 3 तो कितना बचा, 1 2 3 इस तरह से आप कर लेंगे 3। इसी तरह से 7 7 स्टिक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 में से हमें 1 माइनस करना, 1 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप करेंगे। ये देखिए हमें 8 में से हमने 3 माइनस करा था बच्चा 5। अब आपको ये वाली काउंटिंग करनी है बाय ड्राइंग लाइंस, 5 3 तो 0, 4 में से 4 0, 5 में से 4 1 3, 7 में से 3 4, 9 में से 2 7, 8 में से 2 6 एंड 2। ये आपकी हो गई सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे और कराती हूँ मैंने सब्ट्रैक्शन। ये देखिए 5 minus 4 equal 8 9 minus 5 equal 7 minus 3 equal 6 minus 2 equal 5 minus 3 equal 4 minus 0 equal 8 minus 5 तो ये देखिए अब हम यहाँ करेंगे 5 में से 4 माइनस करा तो 1 4 4 4 2 4 में से 0 माइनस करा तो 4 3 एंड 5 में से 3 माइनस करा तो 2। ये आपका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया है। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके। ओके बाय।